नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जाड़ीवाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पे हर सैटरडे संडे कुछ लोग आते हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए। इसी पर्पज से आज भी हमारे साथ में अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम जानेंगे सभी से इनके एक्सपीरियंस के बारे में कि जब इन्होंने इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देखा तो इन्होंने क्या सोचा, क्या सोचकर ये लोग यहाँ तक पहुँचे। अब इन्होंने 2 दिन की अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट कर ली है, अब ये यहाँ से जाने वाले हैं, तो क्या पर्पज अपना लेकर वहाँ जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को अपने अपने प्लेस पे किस तरह लाभान्वित करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हमारे साथ में कुछ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, तो एक एक करके हम बच्चों से जानेंगे। ये काफ़ी दूर से यहाँ पे चलकर आए हैं और इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। आज इन्होंने मिडबेन का वर्कशॉप भी अटेंड किया, तो इनका कैसा अपना एक्सपीरियंस रहा? मेरा नाम संस्कार श्रीवास्तव है। पहले तो जब मैंने YouTube पे वीडियो देखा तो मुझे उतना समझ में नहीं आया कि आखिर कैसे लोग मतलब आँख बंद करके भी सब कुछ देख लेते हैं और सब रीड कर लेते हैं, सब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे आया तब मुझे समझ में आया कि ये मिड ब्रेन के बारे में, पीनियल ग्लैंड है, सब एक्टिवेट होता है, इसमें काफ़ी सारा काम है। इसमें भी हम लोग की भी ट्रेनिंग हुई थी यहाँ पे, ट्रेनिंग में भी खूब एक्सरसाइज हुई हम लोग की, खूब सारी चीज़ें हुई उसमें। जब हम लोग के साथ ये किया गया तब हम भी कर पाए, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ और कैपेबल हूँ ये करने का। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बच्चे का रहा। अब जो है बच्चे के फादर से भी मुलाकात कर ली जाए और चलिए जानते हैं इनका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं विजय कुमार श्रीवास्तव, सबसे पहले तो मैंने इस प्रोग्राम को जो है टीवी वो सोनी चैनल पे मैंने देखा था, जो कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था इसको देख करके। और उसके बाद बात आई गई हो गई, फिर एक दिन हमने जो है वो इंडिया टीवी पे देखा तो भी मुझे बड़ा वंडरफुल लगा ये प्रोग्राम। और उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मुझे ऐसा अवसर मिलेगा। एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ देख रहा था तो इसको भी देखा, तो मैंने इसको एक अवसर के रूप में इसको लिया। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं यहाँ आया इसको पता करने के लिए कि हाँ ये मतलब सब कुछ ठीक ठाक तो है। तो मैं यहाँ पता करके गया, विनीत जी और विपुल जी से मेरी मुलाकात हुई थी उस दिन। बहुत अच्छा इन्होंने मतलब बताया इसके बारे में, तो मैंने पूरा सोच लिया कि मुझे करना ही है इसको जो है, और इसके लिए मैं यहाँ आया। इसके लिए मैं MD सर और ये डायरेक्टर सर और यहाँ के टीम मेंबर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए और ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो आगे चलकर बच्चों का भविष्य संवर सकता है इससे। और हम इसको जा करके पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, जो हमने सीखा है आगे इसको प्रोवाइड करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपका रहा। और अब इन्हीं के साथ में सर की वाइफ मिस बबीता जी भी हमारे साथ में मौजूद है, तो चलिए आइए जानते हैं सर का। तो आपने एक्सपीरियंस सुन ही लिया, मैडम से भी सुन लेते हैं। मेरा नाम बबीता श्रीवास्तव है, मैं संस्कार की मदर हूँ। और पहले मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन एक दिन इन्होंने बताया मुझे कि ये 360 ब्रेन एक्टिवेशन का ये जो है प्रोग्राम, तो देखा हमने तो बहुत अच्छा लगा। तो इनका जब मन बना तो हमने भी सोचा कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ है। फिर कई सारे वीडियोस हमने देखे, उसको देखने के बाद हमें लगा कि वाकई ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे पे। और उसके बाद जब हम यहाँ से सीख कर जाएंगे तो हम और भी बच्चों पे, और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर हम फिंगरप्रिंट के थ्रू हम और बच्चों का नॉलेज हो जाए कि किस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है तो उस फील्ड में ही उसको भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम तो ये पहले अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अब ये यहाँ से ले जाने के बाद इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं यहाँ के सारे मेम्बर्स के लिए, सारे टीम वर्कर्स के लिए, कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी सोच है, और इस नई सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।
इसी के साथ में आइए अब हम मुलाकात करते हैं लकी जी से। ये भी अपने फादर के साथ में यहाँ 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और इन्होंने भी जो है मिडबेन का वर्कशॉप की क्लास आज अटेंड की, तो आइए जानते हैं इनसे इनका एक्सपीरियंस। नमस्कार, मेरा नाम लकी शर्मा है। आज मैंने मिडबेन की एक्सरसाइज अटेंड की। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी। हमें पहले वार्म अप कराया गया, हमको डांस कराया गया, उसके बाद हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दी गई और फिर हमें रीडल्स पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए, फिर हमें एक साउंड सुनाया गया। उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। दो दिन में मैंने ये चीज़ की। उसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा। मैंने ब्लाइंड फोल्डेड में कलर रिकॉग्नाइज करने लग गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। इसी के साथ में अब रागिनी जी से भी मुलाकात कर ली जाए और जानते हैं इनका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं रागिनी इंदौर से आई हूँ। मुझे ये मिडब्रेन के बारे में वीडियोस देख के पता चला, तो मुझे इसको करने का इंटरेस्ट हुआ क्योंकि इससे हम लोग अलग ही यूनिक हो जाते हैं। और आज मैंने जो क्लास अटेंड की उसमें हमें डांस करवाया, एक्सरसाइज की, इससे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा टीम 360 के साथ। अभी आपसे रागिनी जी से मुलाकात करवाई थी, इसी के साथ में इनकी छोटी सिस्टर भी इनके साथ में यहाँ आई है, चेतना जी, तो आइए इनसे भी जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चेतना है, मैं महू से आई हूँ। मैंने वीडियोस देख के मुझे पता चला कि मिडब्रेन एक्टिवेशन क्या होता है। फिर हम यहाँ आए, टीम 360 से मिले और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। क्लास में हमने एक्सरसाइज की, डांस किया, उसके बाद एक साउंड सुना और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बच्चों से मुलाकात हो चुकी है, अब इसी के साथ में हमारी आने वाली फ्रेंचाइजी से भी आप लोगों की मुलाकात हो जाए और मैं निवेदन करूंगी प्रदीप जी से कि आप यहां तक पहुंचे, 2 दिन की ट्रेनिंग आपने अटेंड की, आपका क्या अपना एक्सपीरियंस रहा। अब आप यहां से जाने वाले हैं तो किस तरह वहां के लोगों को आप लाभान्वित करने वाले हैं। थैंक यू मैम। और सबसे पहले मेरा नाम प्रदीप कुमार मनवाल है। मैंने YouTube पे मैं अक्सर देखते रहता हूँ बिजनेसेस के बारे में, और मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं देखते रहता हूँ कि कम पैसा लगा के ज़्यादा अर्निंग कैसे की जाए। तो मुझे एक दिन रात को टीम 360 के बारे में पता चला और वीडियो देखा मैंने, तो मुझे लगा कि इस बिज़नेस में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है, जो प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए, और वो सबसे बड़ी बात ये कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बिज़नेस होगा वो हमेशा ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस प्रोग्राम की, कि ये हर बच्चे की नीड है। मेरा खुद 7 साल का बेटा है तो मुझे उसे देख के लगता है कि उसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, तो मैं सबसे पहले उसी पर अप्लाई करूँगा, फिर इसको मैं आगे फिर मैं ऐसे बच्चों के साथ इसको अप्लाई करूंगा कि जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और जिनको नहीं है उनको भी मैं उनको बताऊंगा कि इसकी कितनी ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। तो इस बिज़नेस में पोटेंशियल है, करने लायक बिज़नेस है। और सबसे बढ़िया बात जो इसमें लगी, इनका टीम 360 का जो सपोर्ट है वो अनबिलीवेबल है। मैं उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ, इनका टॉकिंग बिहेवियर, इनका सपोर्ट। और पहले डाउट था मुझे कि पता नहीं क्या होगा, फिर मैं एक महीने से लगातार मैं टच में हूँ। मैं विपुल सर का धन्यवाद करूँगा, विनीत सर का, मैं लगातार टच में हूँ। रवि सर के साथ मेरी लगातार बात हुई और ट्रेवलिंग से लेके सब चीज़ के लिए गाइड किया और कोई इशू नहीं हुआ है। यहाँ पे 2 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन था वो अमेजिंग था, अल्टीमेट था और पूरा सपोर्ट था। और मैंने जो यहाँ डायरेक्टर हैं उनका वीडियो भी मैंने देखा, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और उनके मोटिवेशनल जो स्पीक्स है वो सभी को सुननी चाहिए और वो बहुत मोटिवेट करते हैं। मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है कि आप इसके बारे में कंसिडर कीजिए और इसको एज ए कैरियर आप ले सकते हैं, काफ़ी प्रॉफिटेबल है। मैं चाहूँगा कि मैं इससे अर्निंग करूँ और साथ में मैं एक समाज सेवा भी कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर।
इसी के साथ में एक और शख्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, सुनील जी। चलिए जानते हैं सर से भी इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू मैम। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं एजुकेशन फील्ड में कुछ बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था, ताकि आजकल जो डिप्रेशन में बच्चे चले जा रहे हैं, बहुत ही उनको कैरियर का कुछ गलत कैरियर में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस क्रम में मैंने 360 का वीडियो देखा, तो मैं बहुत ही इम्प्रेसिव हुआ, तो मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया। तो और यहाँ पे मैं आप सभी को, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि 360 के साथ मुझे जुड़ने का अवसर मिला। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ सर का, जो इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कंसेप्ट मिडवेन और DMIT लाए हैं, और सर के इस अभियान में हम सिपाही बनकर अपने क्षेत्र में जाकर हर घर घर पर ये कॉन्सेप्ट को हम लोग पहुँचाना चाहते हैं। सो मच सर। और इसी के साथ में अब हम मुलाकात करना चाहेंगे रोहित जी से, जो कि UP से यहाँ आए हैं। चलिए जानते हैं इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ओके मैम, मेरा नाम रोहित कुमार होगा। सबसे पहले तो ये वीडियो हमने सर का जो है टीम 360 का एक साल पहले देखा था, लेकिन उस समय हमने पूरा वीडियो नहीं देखा था और विश्वास भी नहीं हुआ था उस समय। तो हमने पुनः अभी एक महीने डेढ़ महीने पहले किसी दूसरे बिजनेस के पर्पस से वीडियो YouTube पे देख रहा था, तो हमने एक वीडियो ये मेरे सामने फिर आ गया, ये 360 वाला। हाँ, तो हमने कहा कि इस बार इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और इस वीडियो को, इससे पहले हमने एक बिजनेस सोच रखा था, लेकिन हम कहे कि पहले इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर सही लगेगा तो इसके बारे में फिर जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो हमने वीडियो को पूरा देखा, फिर हमको समझ में आया कि हाँ ये कुछ है। फिर हमने कम से कम 50-60 उसमें सर्च करके और कंपनी देखे, ऐसा होता है कि नहीं होता है। फिर हमने कई कंपनियों का वीडियो भी देखा, तो हमको फिर विश्वास हुआ ऐसा होता है। फिर हमने कॉल किया और कॉल करने के बाद फिर हमने ये बिजनेस करने का सोचा। और हमको भी शुरू से ऐसे ही बिजनेस की तलाश थी, जिसमें हम पैसा तो कमाए लेकिन समाज में मेरी प्रतिष्ठा जो है कि वो बनी रहे, इसलिए हमने इस बिजनेस को चुना। और यहाँ अच्छी, बहुत अच्छा ही सपोर्ट मिला हमको, जैसा सर ने वीडियो में बोला था उससे ज़्यादा ही यहाँ पे सपोर्ट दिया जा रहा है। और मैं उसके लिए टीम 360 के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें यही आशा रखता हूँ। इसी के साथ में एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ मौजूद है, रोहित जी के साथ में ये आए हैं, नाम है इनका तारकेश्वर जी। तो चलिए आइए जानते हैं इनसे भी। नमस्कार, मेरा नाम तारकेश्वरनाथ है। हम रोहित जी के बताए हुए मतलब वीडियो पे मतलब बोला कि आपने भी, आप भी ये सर्च करके बताओ यार ये कैसा मतलब है। तो हमने फिर देखा, बताया भी इनको 360 मतलब हर जगह से हमको पॉपुलर लगा, और फिर बोला कि आप चलो हमारे साथ ट्रेनिंग में, आके ट्रेनिंग में सबसे मिले यहाँ मेंबर से, बहुत अच्छा लगा हमको, थैंक यू। के साथ में अब मैं निवेदन करना चाहूँगी गणेश जी से, और निवेदन है सर मेरा आपसे कि जब आपने इस प्रोग्राम को YouTube पर देखा तो क्या सोचकर आप यहाँ तक पहुँचे, और अब अपने ट्रेनिंग सेशन को आपने अटेंड किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब आप अपने प्लेस पे जाने वाले हैं तो किस तरह वहाँ के लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं? गणेश मराठे, 2-3 साल पहले मैंने न्यूज़ चैनल्स के जो वीडियो थे उसमें देखे थे मिडब्रेन वगैरह एक्टिवेशन के, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऐसे भी होता है और कुछ बच्चे ऐसे कुछ आश्चर्यकारक चीज़ें मैजिक जैसे कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर अगेन 1-2 साल के बाद फिर यूट्यूब पे ये वीडियोस मुझे सामने आए, फिर उसमें मैं कम से कम 1-2 महीने उसी के डिटेल्स में मैं वीडियो देखते गया, तो काफ़ी देखने लगे। कुछ वीडियो में तसल्ली नहीं होती, तो उसमें सिर्फ बेसिक ही लेवल तक दिखाते हैं, कलर आइडेंटिफाई करना, नंबर्स वगैरह, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक दिन 360 का एक वीडियो आया जिसमें उससे भी ज़्यादा लेवल के कुछ वीडियोस देखे मैंने, बुक्स वगैरह फ्लिप करना, कुछ हिडन चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ये सब तो मुझे थोड़ा सा बिलीव हुआ कि नहीं ये चीज़ सही लग रही और 360 का थोड़ा इसमें कुछ दम लग रहा है। तो मैं इसके लिए
फिर आगे एक दो महीना फिर मैं यूट्यूब पे सर्च किया मिड ब्रेन होता है क्या ये सब, तो मुझे लगा फिर कोई एक तानसेन दी था जो उन्होंने अपने संगीत से दिए जला दिए थे, तो वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे जो अपने संगीत से ब्रेन को एक्टिवेट किया जाता है उसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम बना है, हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद मार्केटिंग भी का भी बताया जाता है, और प्रोग्राम बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, हमारे लिए भी सब फ़ायदे का, आप एज ए बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हो आप। और ये यहाँ आने के बाद मतलब सेटिस्फैक्शन हुआ कि 360 टीम की सपोर्ट वगैरह मिल रहा है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं लेकिन उसके बाद सर्विस या सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इनका लाइफ टाइम का सर्विस और सपोर्ट मिल रही है सबसे अच्छी चीज़ है, और इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू। के साथ में एक मैडम हमारे साथ में मौजूद है, दीप माला जी, गणेश जी के साथ में ये यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग के पर्पज़ से, तो चलिए आइए जानते हैं मैडम से भी। मैं दीपमाला मराठे, मैंने टीम 360 के बारे में यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में मैंने काफ़ी दो तीन महीने से सर्च कर रही हूँ, फिर हम सोच रहे जाए नहीं जाए, मतलब कंफ्यूज़ कि क्या है, सही है नहीं है, अभी भी यहाँ आने के बाद भी सोच रहे थे कि सही जगह पे आए या क्या हुआ, मतलब लेकिन दो दिन के ट्रेनिंग में हम बहुत खुश हैं। ओके थैंक यू। इसी के साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगी कंपनी के MD सर मिस्टर DD शर्मा जी से, और जानेंगे हम इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में, साथ में आप हमारी IV फ्रेंचाइजीज को आप अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों मेरा नाम DD शर्मा, मैं टीम 360 का MD हूँ, मैं आपसे आज सिर्फ तीन बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि जिन फ्रेंचाइजियों ने इतनी इतनी दूर से आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग ली है और अब उन्होंने हमारे लिए कुछ आभार के शब्द व्यक्त किए हैं, कुछ तारीफ़ के शब्द व्यक्त किए हैं, मैं उन सब की तारीफ और आभार को हृदय से स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को छोटा न समझें, ये बिज़नेस भविष्य में आने वाला सबसे बड़ा बिज़नेस होगा, जिस तरह से मोबाइल का बिज़नेस आज है, हर हाथ में मोबाइल है, उसी तरह से हर बच्चा DMIT करवाने के बाद ही स्कूल जाएगा, हर बच्चे का DMIT जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी तरह से पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन भी हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत जल्द ही हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग लेकर के, और हम भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर इसको एक साथ लागू किया जाए, ताकि क्या है कि कोई बच्चा छूट न जाए, पोलियो की जो कहावत है ना कि ये चक्र टूट न जाए, कोई बच्चा छूट न जाए, उसी तरह से DMIT के जरिए सभी बच्चों का कैरियर काउंसलिंग हो, कौन बच्चा यूनिक टैलेंट किस चीज़ के लिए लेकर के आया है, ईश्वर हर एक बच्चे को कोई न कोई खास टैलेंट लेकर के भेजता है, तो हर एक बच्चे का जो टैलेंट है उसी कैरियर में उसे अगर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगा, वो और ज़्यादा अच्छे कीर्तिमान स्थापित करेगा अपने देश को। अब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने जो है आवश्यकताओं वाली स्थिति को पार कर लिया है पिछले 5 सालों में, अब हम जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उनके आधार पर काम करेंगे, तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन है उनसे, पूरे देश की एक्सपेक्टेशंस है, पूरे देश के बच्चों की एक्सपेक्टेशंस है कि उन्हें जो है एक कैरियर काउंसलिंग के लिए DMIT का अधिकार मिले और हर बच्चा DMIT का टेस्ट करावे और उसके बाद में उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो अपनी कैरियर को चुने और उस कैरियर के अंदर कीर्तिमान स्थापित करें। मैं ये कहते हुए गौरवान्वित हूँ कि टीम 360 ने एक नया फील्ड खोला है, एक नया यानी देश के लिए गौरवान्वित होने का मौका दिया है कि अगर देश चाहे तो DMIT और मिडब्रेन के जरिए आने वाली जो भी जेनरेशन है उसको मल्टी मिलियनर बना सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास में, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास में डॉक्टर पिल्लई ये प्रस्ताव भेज चुके हैं कि जापान के अंदर 18,000 लोगों का जो मिडब्रेन एक्टिवेशन वाला सर्वे हुआ है उससे पता चला कि सारे के सारे ऐसे बच्चे जिनका कि मिडब्रेन एक्टिवेशन का वर्कशॉप करवाया गया था वो 25 साल बाद में सारे के सारे मल्टी मिलियनर बने, और इस सर्वे के आधार पर
ट्रंप गवर्नमेंट विचार कर रही है कि क्यों नहीं पूरे अमेरिका के बच्चों के लिए इसे जरूरी कर दिया जाए। डॉक्टर पीले चूंकि भारत के रहने वाले हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, ये एक अलग बात है। हम ये चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर पिल्लई ने किया तो वो हमारे लिए एक संकेत है, इंडिकेशन है। हम भी उस रास्ते पर अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि वो DMIT और मिड ब्रेन को इसी तरह से प्रोजेक्ट बनवा करके पूरे देश के लिए लागू करें। अब मैं तीसरी बात कहना चाहूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि DMIT मिड ब्रेन एक्टिवेशन ESP QSR फोटोग्राफिक मेमोरी ये एक यंत्र है, टेक्निकल यंत्र है, ये आपको प्रदान कर दिया गया है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने चरखे का टेक्निकल यंत्र लिया और पूरे देश को चरखामय करके और देश को आज़ाद करा दिया, उसी तरह से DMIT और मिडब्रेन एक चरखे की तरह ये यंत्र है जिसको पूरा देश काम में लेगा। तो जिस तरह से देश जो गुलामी से दूर हो गया, इसी तरह से देश गरीबी से दूर हो जाएगा, और जैसे देश आज़ाद बना वैसे ही हमें आर्थिक आज़ादी भी हासिल हो पाएगी। इसी बात के अंदर मुझे दो बातें कहनी है, इस तीसरी बात में दो बातें कहनी है। पहली तो है कि टेक्निकल जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया गया। आप कहीं भी खड़े होकर के अपने कार्य की थोड़ी सी एक्सीलेंसी बढ़ा लें 15-20 दिन में, कहीं भी खड़े होकर के आप अगर इस काम को शुरू करेंगे तो लाइन लग जाएगी आपसे DMIT कराने वालों की। और आपने किसी भी स्कूल में जाकर के थोड़ा कॉन्फिडेंस से कहा कि हम जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन करते हैं, तो स्कूल के अंदर मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वर्कशॉप कराने वालों की भी लाइन लग जाएगी। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा कैरियर साबित होगा, और ये यंत्र और ये चीज़ हमने आपको सिखला दी है। लेकिन इसके साथ में एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि टेक्निकल नॉलेज कितना भी हो, अगर आपके ह्यूमन कैरेक्टर में कोई चीज़ की कमी है तो फिर थोड़ा सा क्या है कि उसको भी दूर कर लेना चाहिए। अपने 1000 साल की गुलामी देखी देश ने, इस कारण से अपने विचारों के अंदर निगेटिविटी आई हुई है। हम कहते हैं नौकरी करने से ही पेट पालन हो सकता है, गुजारा भत्ता हो सकता है। हम कहते हैं कि हम मध्यम वर्गीय रहने के लिए पैदा हुए हैं, कोई कहता है हम तो गरीब हैं। यानी अपने देश में पूरी तरह निगेटिविटी जो छाई हुई है, इस निगेटिविटी को दूर करने के लिए आर्थिक चेतना को जगाने की ज़रूरत है। और उस आर्थिक चेतना के लिए मैं हर बार दो मंत्र बतलाया करता हूँ। एक मंत्र तो ये है कि आज से हम जो है ये नहीं कहेंगे कि बाज़ार में कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं कही है। मैं कहता हूँ एक अच्छा वकील नहीं मिलता, एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, एक अच्छा कॉलर नहीं मिलता, एक अच्छा टीचर नहीं मिलता। और अगर कोई अच्छा है तो उसकी यहाँ लाइन लगी रहती है ट्यूशन की, अगर कोई डॉक्टर अच्छा है तो पेशेंट्स की लाइन है। कहाँ कंपटीशन है, कहीं कंपटीशन है। पूरे लखनऊ में मुश्किल से 5-7 डॉक्टर्स की लाइन होगी, बाकी खाली बैठे रहते हैं। पूरे पटना के अंदर मुश्किल से कुछ अकाउंटेंट्स के पास में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास काम होगा, बाकी खाली बैठे रहते हैं। अगर आप थोड़ी सी एक्सीलेंसी बढ़ा लोगे तो कंपटीशन नाम का जो शत्रु है वो आपके पास में फटकेगा ही नहीं। दूसरा भय, भय वाली बात जो है इसको दूर कर दीजिए। आप जब इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन और DMIT के काम को आरम्भ करोगे तो भय किस चीज़ का, आप इस हुनर के मास्टर हैं। आपसे अधिक इस बारे में कोई नहीं जानता, न तो कोई प्रिंसिपल जानता है, न कोई वहाँ का टीचर जानता है। इसलिए बेधड़क होकर के अपने इस काम को करिए और इस आर्थिक चेतना को अंदर जगा लीजिए कि आई एम मल्टी मिलियनर, मैं अमीर बनने के लिए, मैं मल्टी मिलियनर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। इसलिए आई एम मल्टी मिलियनर, ये बात आज से आप जो है अपने जहन में डाल लें कि यू आर द मल्टी मिलियनर, और धीरे धीरे आप मल्टी मिलियनर बनने के सफ़र पर आरूढ़ हो जाएंगे। इसलिए एक बार आप मेरे साथ में बोलिए, इसे दीक्षा बोलते हैं क्योंकि मेरी आवृत्ति थोड़ी इसकी बढ़ाई हुई है, ये बड़ी हुई आवृत्ति से आप लोग अगर जुड़ जाएंगे तो आप में भी ये चेन रिएक्शन चल पड़ेगा, जो कि एटॉमिक एक्सप्लोजन में आपने देखा होगा कि एटॉमिक बम में इतनी शक्ति कहाँ से आती है, चेन रिएक्शन से आती है। तो वो चेन रिएक्शन आप में भी चल पड़ेगी, जैसे मैंने कहा ये बच्ची खुलना चाहती है, ये मैडम खुलना चाहती है, यानी इनमें चेन रिएक्शन होना चाहती है। ये अपना यानी अंदर का जो है सब लोगों को बताना चाहते हैं और एक अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं,
और आलोकित करना चाहते हैं पूरे समाज को, तो उसी तरह से आप लोग भी जो है मेरे साथ में इस बात को 3 बार बोलिए कि आई एम, बोलिए मेरे से, आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी मिलियनर। अब आप मल्टी मिलियनर होने के रास्ते पर चल पड़ेंगे और आपका रास्ता स्वदेव आगे से आगे प्रशस्त होता चला जाएगा। दूसरी बात है, ये तो आपकी बाह्य जो है, बाह्य रूप से अपन ने जो निगेटिविटी इकट्ठी कर रखी है उसको दूर करेगा, बड़ा कारगर है, फरसे की तरह काम करेगा, निगेटिविटी को काट के आपके अंदर जो है धनाढ्य होने की मानसिकता जो है विकसित करेगा, आपके डीएनएज के अंदर, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर जो है जो जंक पड़े हुए डीएनएज है उनके अंदर अमीरी डाल देगा और आप अमीर। इसलिए इसको 108 बार प्रतिदिन करना है, 5-7 मिनट लगते हैं 108 बार में, और 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बाद मुझे फ़ोन करके बतलाना है कि आपके जीवन में कौन कौन सी ऐसी सफल अवसर आए और आपने फट पिकअप कर लिया कि तो मेरे लिए और लाभ उठाना चालू कर दिया। आप मुझे टेलीफोन करके बताओगे, मेरे नंबर आप यहाँ से ऑफिस से ले सकते हैं और इस पर भी डाल दिए जाएंगे यूट्यूब चैनल पर भी। दूसरी बात यह है कि अपने अंदर एक आंतरिक वार्तालाप चलता रहता है जिसे बोलते हैं स्वभाषा, कि अपन कुछ न कुछ यानी विचारते रहते हैं वो भी निगेटिव। उस विचारण को, जो आंतरिक विचारण है, आंतरिक वार्तालाप है जो अपना निगेटिव चल रहा है, उसको रोकने के लिए एक मंत्र मैं और बतलाता हूँ, ताकि क्योंकि सारा कुछ तो अंदर है, जो अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। अंदर अगर गरीबी बैठी हुई है तो चारों ओर फिर गरीबी ही आएगी, गरीबी ही मैनिफेस्ट होगी। इसलिए अपन अंदर से अमीर बने, इसलिए एक डॉक्टर पिल्ले का दिया हुआ जो मंत्र है वो मैं आपको बतलाता हूँ, विश्वामित्र ने कहते हैं उन्हें दिया और उनसे हम पर रिवील हुआ। उस मंत्र को मैं एक बार खुद बोलूँगा, उसके बाद 3 बार आप मेरे साथ बोलना, तो आके आपके जीवन में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अमीरी जो है आगे से स्वतः आने लग जाए। ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः। अब मेरे साथ बोलिए, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः। इस मंत्र को भी प्रतिदिन जब आपको फुर्सत मिले 108 बार करिए और 21 दिन तक करिए, फिर मुझे टेलीफोन करके बताइए कि साहब अब मेरे आंतरिक विचारों में परिवर्तन आने लगा और मैं अंदर से अपने आप को समृद्ध समझने लगा और अमीर समझने लगा, इसलिए बाहर भी चारों ओर मेरी ऐसी ऐसी परिस्थितियां आने लगी जो मुझे मौके देते हैं कि मैं भी अमीर बनूँ, मेरी भी आमदनी बढ़े और चला करके कस्टमर सब मेरे पास आने लगे हैं। पहले मैं कस्टमर्स के पीछे भागता था, अब कस्टमर्स चला चला करके मेरे पास आने लगे हैं। जो हमने टेक्निकल चीज़ आपको बतलाई मिड ब्रेन एक्टिवेशन और DMIT, हमने फीस उसकी ली है, ये गिफ्ट के बतौर आपको बोनस के रूप में फ्री में आपको दे रहे हैं, ताकि आपकी आर्थिक चेतना जग जाएगी। उसी दिन आपके अंदर जो है स्वमेव कस्टमर्स आपके पास आने लग जाएंगे, स्वमेव वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आने लगे। अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी भी आ रही है, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप पिकअप नहीं कर पा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है ना, हीरो इधर है वैसे ही ध्यान कहीं और है। आप क्या है कि उधर शिकायतों की तरफ, कमियों की तरफ, खामियों की तरफ, अपनी कमियों की तरफ ध्यान लगाए हो। इसकी बजाय आपको ये ध्यान ये लगाना है कि मैं तो पैदा ही अमीर होने के लिए हुआ हूँ, कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स आग्रहपूर्वक हमारे कार्यक्रम को करवाता है और सारे के सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं, हमें टीम 360 सपोर्ट देती है, प्रिंसिपल्स लोग भी सपोर्ट करते हैं, दूसरे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा चला करके इस तरह से बोलना करना और आंतरिक वार्तालाप को बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोग अमीर बनेंगे, और अमीर बनना हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसके लिए पूरा संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि हर भारतीय अमीर न बन जाए। धन्यवाद।